और अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी डरी हुई है और ये तोड़फोड़ कल रात हुई थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। शासन प्रशासन का कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। CCTV फुटेज आपके सामने। बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। गुस्से में हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी को हार का अंदेशा है, इस वजह से बौखलाहट में तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है जब यह तोड़फोड़ हुई वहां किशोरी लाल शर्मा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी इस दफ्तर के भीतर मौजूद थे। अमेठी में कल रात जिस प्रकार से अराजकता फैलाई गई, वहां पर दसों बीसों गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई। एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ें। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय स्मृति जी बुरी तरह से डरी हुई हैं और हार निश्चित रूप से सामने नजर आ रही है। अब लोगों को भ्रमित कर लोगों को आतंकित कर वो इस हारे हुए चुनाव को सोचते हैं कि वो जीत लें, लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार का वायलेंस अराजकता काम आने वाली नहीं है। ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत से इलेक्शन हुए, ये हम पहली बार ये देख रहे हैं। ये कौन लोग आ गए चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं।